जी सर। दोस्तों सामने आप देख रहे होंगे काली माता का सिद्धपीठ, आप भी दर्शन कर लो एक बार। ठीक है दोस्तों, वो रास्ता अब की बार पूरा डेंजर हो चुका है, ये देखो आप। और जोरों शोरों से काम चला हुआ है इस पे। जय माता दी। और अब की बार ये ब्रिज भी थोड़ा सा आरसीसी वाला बना रहे हैं ये, पहले लकड़ी का था पर अब ये पक्का कर रहे हैं ये। ये देखो आप, ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अभी ये रास्ता बालटल वाला कैसा है, कि आपको सभी जानकारी पहले ही मिल जाए। दोस्तों अब की बार बहुत ज्यादा बर्फ देखने को मिली है, अब मेरे सिर से ऊपर देखो कितनी है, ये देखो कम से कम 50-60 फुट तक की इसकी हाइट है। और पर इसमें से रास्ता बना चुके हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दोस्तों हल्के हल्के सांस चढ़ गया है तो उसको अवॉइड करना, क्यों यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो आप एक बार पवित्र गुफा के दर्शन कर लो। जय भोलेनाथ। सभी दोस्तों को हर हर महादेव। दोस्तों अभी हूँ मैं अमरनाथ में और अमरनाथ की यात्रा अभी स्टार्ट नहीं हुई है, पहले आ चुके हैं आपको दर्शन करवाने के लिए। और अभी आपको व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ का, एक बार चेक करो। ये 2024 की यात्रा स्टार्ट होने से पहले की है ये। और दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये है पार्किंग का, जब आप बालटल आओगे तो यहाँ अपनी पर्सनल गाड़ी यहाँ लगा सकते हो। उसका क्या प्राइस है अभी कुछ नहीं पता, अभी ऐसे ही चला हुआ है ये। ठीक है दोस्तों, और आगे चलता हूँ थोड़ा मैं। अभी ऊपर बर्फ है, ये पुराने वाली बर्फ है, ताजी बर्फ नहीं है। हर हर महादेव। ये हमारे अमित जी है साथ में और विजय जी भी अब की बार चले हमारे साथ। श्री अमरनाथ यात्रा 2024 में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ का तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है और भंडारे लगने स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी चल रहे हैं नीचे, पहले पिछली बार मैं गया था अंदर से होते हुए गया था, सीधा आगे निकला था, अब की बार नीचे से जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए क्या क्या काम चला हुआ है। और दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्यों अब की बार मैं कम से कम एक या डेढ़ हफ्ता यहाँ पर रुकूंगा, सारी अपडेट देता रहूँगा कि क्या क्या अपडेट है। ठीक है दोस्तों, और जो यहाँ का प्राइस रहेगा जिस किसी भी चीज़ का तो आप पूछ सकते हो मैसेज करके, कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, अब एक बार देख लो, अभी हल्की हल्की बर्फ है। दोस्तों अभी भंडारे का काम यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, जहाँ भी कंप्लीट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ आपको ड्राई फ्रूट की मार्केट लगती हुई दिखाई दे रही है, और यहीं से ही हल्का हल्का सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। वैसे पेड़ पौधे पूरे लगे हैं भरपूर मात्रा में, फिर भी ऊपर चढ़ते हैं ना हल्की हल्की सांस फूलनी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ये NDRF वाले हैं, जैसे भी कोई भी इमरजेंसी पड़ती है तो ये ऐसे उनको ऐसे रेस्क्यू करते हैं।
चलो श्री अमरनाथ धाम 2024 यात्रा बालटाल। और यहाँ से मिलेंगे आपको भंडारे, सबसे ज़्यादा भंडारे यहीं पर मिलेंगे आपको। अभी काम चला हुआ है, दोस्तों ये कपूरथला बालों का है और ये हिसार भंडारा, अभी काम चला हुआ है। दोस्तों ये है फतेहाबाद वालों का भंडारा, अभी काम चला हुआ है। और ये है करनाल वालों का 16वां भंडारा इनका ये। और ऐसे घर से सामान आता है सारा भर भर के। तो दोस्तों अभी कुछ पड़ाव हमारा कंप्लीट हो चुका है, कुछ रह चुका है और हम वो भी कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। ये है बेस कैंप जहां आप कैंप कर सकते हो। दोस्तों अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई तो ये सारा का सारा खाली पड़ा है, यात्रा स्टार्ट हो जाएगी तो इसके अंदर से जाना पड़ेगा। और लाइटें लूटे का सीसीटीवी कैमरे का ये सारा प्रबंध कर रहे हैं और अब की बार बहुत ज़्यादा सख्त आई है। दोस्तों ये मेन रास्ता है और यहाँ क्राउड देख सकते हो और ये सभी भंडारे वाले हैं। ये यहाँ से ऐसे जाते हुए सीधा ऊपर। दोस्तों अब की बार 2024 में जो अपडेट है पालकी का, तो उनके अकॉर्डिंग जो रेट है आप ये रेट चेक करो। ठीक है दोस्तों ये है 2024 का और भंडारे का अभी काम चला हुआ है, गाड़ियाँ चल रही है ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदर कभी भी खराब हो सकता है, ये है यहाँ के अभी अपडेट। दुकानें लगनी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों अभी एक अपडेट हो रही है, क्या करे क्या ना करे, इसमें बताया गया कि आपको अमरनाथ की यात्रा करनी है तो सबसे पहले एक महीना पहले आप 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा अपने सुबह शाम पैदल जरूर घूमें, ठीक है। और इसमें बताया गया है यात्रा के दौरान ऊपर हवा ठंडी हवाएं चलती है तो अपने साथ ऊनी कपड़े जरूर रखें। और बताया गया है दोस्तों, और जब लेडीज आती है तो साड़ी का प्रयोग ना करें, सूट और सलवार का प्रयोग करें, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। और प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, जिसको हृदय का रोग है वो ना आए, ठीक है। स्पेशल बताया गया है बच्चों को साथ ना लेके आए, जिसकी 15 साल से कम उम्र है वो ना लेके आए। और आपातकालीन स्थिति में अपने साथ एक पर्ची बना के रखे जिसमें अपना नाम, फ़ोन नंबर और पता हो, जिससे उसका बात कर सके, ठीक है। इनके बारे में सब कुछ बताया गया, ये एक बार आप पढ़ लेना सारा का सारा, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों वहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट होती है, मेन जो अपना गाड़ियाँ रुकती है वहाँ से रुकने के बाद, उसके बाद ये आप देख रहे होंगे यहाँ से एक बार निकलना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट चेक करने पड़ते हैं और आपको ठहरना हो, ये सारे कैंप लगे हुए हैं, ये 400-500 रुपये में पर पर्सन के हिसाब से आप रुक सकते हो। उसके बाद आगे आने के बाद ये रास्ता है नीचे वाला, आप यहाँ से आने के बाद यहाँ से ही भंडारे स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ भंडारे ही भंडारे मिलेंगे आपको। और व्यू अभी बहुत शानदार है। दोस्तों अभी यात्रा हमारी स्टार्ट हो चुकी है और ये रात का व्यू है,
और हमको जाना है वहां पर। और दोस्तों ऊपर है वो बरारी टॉप, अभी चल रहे हैं आराम आराम से। दोस्तों अभी पहुंच गया बरारी टॉप पर। और दोस्तों जो आपने ये गाड़ी देखी है, ये गाड़ी दोस्तों रात पीछे आते हुए ये पलट गई थी और कोई नुकसान नहीं हुआ इतना। ये भंडारे का सामान लेके जा रहे थे, इसमें भंडारे का सामान लेके जा रहे थे तो ये गाड़ी पलट गई थी। जो भी ड्राइवर था और जो इसमें साथ बैठे हुए थे उसको कोई इतना वो नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, और हम पहुंच गए बरारी टॉप पर। मेन ये सामने देखो आप एक बार, ये दोस्तों ये रास्ता देख रहे होंगे आप, ये रास्ता पहलगाम से है, उसके बाद ये है बरारी टॉप का। यहाँ से रास्ता जाने के बाद हमको यहाँ से ऐसे मुड़ना है। ठीक है दोस्तों, मेन जो चढ़ाई होती है उसकी यहाँ तक की होती है, उसके बाद डाउन का रास्ता है सारा सारा ये। और वेदर साफ है, ऊपर ताजी स्नोफॉल पड़ी हुई है। जय बोलेगी, जय बाबा। दोस्तों अभी है हम बरारी टॉप पर और हमारा बस कुछ ही रह गया है बस। और आपको मैं ग्लेशियर दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है आपकी बार आप देखो, ये देखो विजय और अभिषेक। अभी आपकी शकल सही नहीं दिखाई दे रही है, अब दिखाई देगी। हर हर महादेव। इंजॉय कर रहे हो, मजा आ रहा है? कितने बजे यात्रा स्टार्ट की थी? रात 3 बजे। ये देखो दोस्तों 3 बजे यात्रा की है और 7:30 बज चुके हैं अभी। और सामने देखो आप, ये देखो दोस्तों, और जो ये रास्ता दिख रहा है आपको दोस्तों, ये वाला, ये पहलगाम से आता है ये। और दोस्तों ये 2024 की फर्स्ट वीडियो है ये दोस्तों 2024 की फर्स्ट वीडियो है। आपको वीडियो कैसी लगी है, अभी आपको और भी दिखाऊंगा, पर आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, जैसे आपने पिछले साल लिखा था। ठीक है दोस्तों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। ठीक है अभी आगे चलते हैं। और रास्ता अच्छा है आपकी बार, अच्छा इसलिए है कि अभी बारिश नहीं हुई है तो बिल्कुल साफ है। बारिश हो जाएगी तो रास्ता थोड़ा गंदा हो जाएगा ये। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जिसकी हल्की सी भी तबीयत खराब है वो यात्रा ना करे। अभी आते हुए 17-18 साल के बच्चे थे जिसकी तबीयत खराब हो चुकी थी, एम्बुलेंस बुलाई थी, एम्बुलेंस में इसको लेके गया, हार्ट बीट तेज हो गई थी उनकी। टोटल 4 थे वो और एक गाड़ी पलटी है, वो भी ठीक है, पर जिसको आपको लगे कि भाई आपकी तबीयत खराब हो रही है तो आप रुक जाए, ज़्यादा ना भागे, आराम आराम से चले, हल्के हल्के स्टेप से, जबकि 2 घंटे के बजाय 4 घंटे लगे, चलना आराम आराम से है। ठीक है, और यहाँ सांस फूलना नॉर्मल सी बात है। जैन सर, दोस्तों अभी हम वहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ से जो पहलगाम से जो श्रद्धालु आते हैं और बालटाल से, कुछ यहाँ से भी जाके नीचे से वो घोड़े चले हुए हैं। अभी आप चेक करो जी, बालटाल वाला रास्ता है ये स्पेशल घोड़े के लिए है, ये नीचे से आते हैं, ये ऊपर ऐसे चढ़ते हैं ये, और जो पहलगाम वाला रास्ता है उस पे जाके मिलता है ये। और जो से ये वाला रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं, ये जो काली माता मंदिर आता है ये उस साइड से होके जाता है ये, और इस पे इतने घोड़े घाड़े नहीं चलते, मना है इस रास्ते पे। और सामने का व्यू देखो एक बार आप, क्या शानदार है। दो
दोस्तों जो पालटाल वाला ये रास्ता है, अब इस पे काम चला हुआ है और घोड़ों खच्चरों से इनसे ये सारा उठा रहे हैं, ये जो भी पत्थर आए हुए ऊपर से। ये सारा का सारा यहाँ से उठा रहे हैं, ऊपर से आया हुआ है ये, इसको साफ करने की कर रहे हैं। और सामने है बाबा बर्फानी, आपको दर्शन करवाएंगे 2024 के। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। जय बाबा बर्फानी। दोस्तों सामने आप देख रहे होंगे काली माता का सिद्धपीठ, आप भी दर्शन कर लो एक बार। ठीक है दोस्तों, वो रास्ता अब की बार पूरा डेंजर हो चुका है, ये देखो आप। और जोरों शोरों से काम चला हुआ है इस पे। जय माता दी। और अब की बार ये ब्रिज भी थोड़ा सा आरसीसी वाला बना रहे हैं ये, पहले लकड़ी का था पर अब ये पक्का कर रहे हैं ये। ये देखो आप, ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि अभी ये रास्ता बालटाल वाला कैसा है, कि आपको सभी जानकारी पहले ही मिल जाए। और ये रास्ता भी अब बड़ा हो रहा है, पहले छोटा रास्ता था, बस इतना रास्ता था ये, अब ये ज्यादा बड़ा बना रहे हैं इसको, चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी अब इसकी। जब तक आप आओगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और यही रास्ता सबसे ज्यादा डेंजर था, अब ये आपके लिए आने वाले टाइम में आपके लिए दी बेस्ट हो जाएगा ये, आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। जो काली माता मंदिर से आप नीचे आते हो वो मंदिर रहा ऊपर, और जो आप आते थे बिल्कुल छोटी सी पगडंडी थी, अब ये बड़ा हो चुका है ये। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी अब। ये दोस्तों अभी सर्च गश्त पे आई है हेलीकॉप्टर, और बार बार सर्चिंग कर रहे हैं। और इस रूट पे जेसीबी चली हुई है दो दो तीन दिन, और रास्ता बड़ा बना रहे हैं ये, काम चला हुआ है पूरे जोरों शोरों से। अभी निकलते हैं। अभी थोड़ा रास्ता डेंजर है, फिर भी कवर कर रहे हैं। दोस्तों अब की बार देखो कितनी मोटी परत जमी है बर्फ की। और सामने है बाबा बर्फानी। दोस्तों ये देखो, जैसे कि लद्दाख जाते हुए आपको मिलती है बर्फ गाड़ियों में, तो अब की बार ये चीज देखो आप, क्या खतरनाक हो चुका है ये। और इसमें से कैसे क्रॉसिंग कर रहे हैं वो भी चेक करो आप।
खाना दोस्तों जबरदस्त। दोस्तों अब की बार बहुत ज्यादा बर्फ देखने को मिली है। अब मेरे सिर से ऊपर देखो कितनी है, ये देखो कम से कम 50-60 फुट तक की इसकी हाइट है। और पर इसमें से रास्ता बना चुके हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक बार दोबारा देखो, आप थोड़ा पीछे से ले रहा हूँ। है ना दोस्तों, पीछे का व्यू बहुत शानदार। और अभी चलते हैं आगे की तरफ, आगे दिखाता हूँ मैं और क्या क्या अपडेट रहेगा, मैं आपको सारा इसी वीडियो में कवर करूँगा और दर्शन भी इसी वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब की बार बर्फ ज़्यादा है। ये बर्फ देखो, पिछले साल इतनी बर्फ नहीं थी, अब की बार बहुत ज़्यादा बर्फ है। दोस्तों अब तो बाबा बर्फानी तक आपको ऐसे ही बर्फ मिलेगी। और जो मेरे दोस्त है वो भी बहुत, जो भी मेरे दोस्त है बहुत हिम्मत वाले हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है, पर हिम्मत की दाद देते हैं उनकी, इनको कोई परेशानी नहीं है, फर्स्ट टाइम आया देख लो ये। और ये भंडारे वाले के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। तो दोस्तों सामने आ चुका है बाबा बर्फानी जी की गुफा, और यहाँ से मेन पहले आपको चेकिंग होगी, उसके बाद आपको आगे जाने दिया जाएगा। यहाँ पर लास्ट चेकिंग होती है, उसके बाद आपको आगे जाके जो भी आपके पास सामान है वो अपने लॉकर में रख सकते हो और फ़ोन भी रख सकते हो उसमें। फ़ोन अलाउड नहीं है गुफा के अंदर ले जाना। दोस्तों मंदिर के बिल्कुल पास में आ चुके हैं और आपकी बार क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो भंडारे वाले हैं वो बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ये अब बर्फ़ देखो, मैंने फर्स्ट टाइम देखी इतनी बर्फ़, कम से कम 40-50 फुट तक की बर्फ़ हो गई है। और आपको घंटे की आवाज़ आ रही होगी। ऑक्सीजन की बहुत कमी है यहाँ पर। दोस्तों आपकी बार गुफा तक गाड़ी आ चुकी है, सामने है गुफा और ये खड़ी है गाड़ियाँ बियारो वाले की। और यहाँ तक पहुँचाना भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अब की बार 2024 में यात्रा के दर्शन कर लो आप, अमरनाथ यात्रा के। और ऊपर ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो आप सोचो मैं ठहर सकूं, तो ठहरने की नहीं है यहाँ पर। दोस्तों हल्की हल्की सांस चढ़ रही है, तो उसको अवॉइड करना, क्यों यहाँ ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो आप एक बार पवित्र गुफा के दर्शन कर लो। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों हमने पैडिया वाला यात्रा स्टार्ट कर दिया है और ऊपर बैठे हमारे महादेव। दोस्तों कुछ सीढ़ी और रह चुकी है और पहुंच जाएंगे हम भी गुफा में बाबा बर्फानी जी के। और ये पवित्र अमृत बह रहा है यहाँ पर।
जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव। आप पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल पास में है। जय भोलेनाथ। पहुंच गया, अमरनाथ, अमरनाथ गेट इन ले शिवलिंग वाला। यहाँ भाग्यशाली कोई कबूतर देखने को मिलता है। जय भोलेनाथ, जी सर। दोस्तों आपको दर्शन कैसे लगे और अभी चल रहे हैं यहाँ से तो कमेंट में जरूर बताना और हर हर महादेव जरूर लिखना। भोलेनाथ हर साल बुलाना और ऐसे दर्शन देना, हर हर महादेव। और दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। चल ऊपर जाया, दोस्तों अभी वहां से कंप्लीट करने के बाद यहां से ऐसे आने के बाद और पवित्र गुफा दर्शन करने के बाद अभी जा रहे हैं नीचे। और जो यहाँ का अपडेट था मैंने सर आपको दिखा दिया है, वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों।